आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि प्रोफाइल फोटो को बदलना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से बदल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कभी हम इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं उस टाइम पे जल्दबाजी में हम कोई भी फोटो एड कर देते हैं, लेकिन अगर बाद में हम उसको चेंज करना चाहते हैं, अपना खुद का फोटो लगाना चाहते हैं या कोई और अपनी पसंद का फोटो वहां पे एड करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से करेंगे, उसी का प्रोसेस आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपनी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको करना क्या हो कि नीचे की साइड आपको फर्स्ट नंबर पर राइट हैंड साइड में आपके प्रोफाइल पिक्चर नजर आती है, आपको इस पे टैप करना है। इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके प्रोफाइल इस तरह से ओपन हो जाती है। प्रोफाइल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इनमें आप देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल, एड टूल, इनसाइड और कॉन्टैक्ट। तो आपको यहाँ पे जो एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली आपको एडिट प्रोफाइल पर टैप कर देना है। जैसे आप एडिट प्रोफाइल पर टैप करेंगे तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल की कोई भी डिटेल अगर चेंज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहां से अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो इस नेम को रिमूव करके अपना दूसरा नेम लिख सकते हैं, अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह का यूआरएल देना चाहते हैं वो भी आप यहां पे दे सकते हैं। इसके अलावा अपना बायो वगैरह आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहां पर अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड काफी सारी सेटिंग जिसमें कि आप अपनी पूरी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहां पे चेंज करना है अपनी प्रोफाइल पिक्चर को। तो प्रोफाइल पिक्चर चेंज करने के लिए ऊपर की साइड आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिल रही है, और इसके नीचे आप देख सकते हैं चेंज प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली इस पे टैप करना है। इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रोफाइल फोटो और इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक। तो अगर आप अपने फोन की गैलरी से किसी फोटो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने अपने इंस्टाग्राम को अपनी फेसबुक से लिंक किया हो तो आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल से किसी भी फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे एड करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं जैसे कि फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करूंगा, आपके फोन की गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाती है। फोन की गैलरी ओपन होने के बाद आपको यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना जिस फोटो को अपने प्रोफाइल पिक्चर पर सेट करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मेरे पे एक फोटो रखा हुआ तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं जैसे कि चलिए कोई भी एक फोटो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या दोस्तों कि यहाँ पे एरो पे टैप करना। एरो पे टैप करने के बाद यहाँ से आप इसको फिर से एरो पे टैप करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे कुछ ही सेकंड में चेंज हो जाएगी। चलिए कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोडिंग हो रही है। प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिट हो चुकी है, यानी कि हमारे पसंद की दूसरी प्रोफाइल यहाँ पे लग चुकी है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर, यानी कि अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन अपने अकाउंट पर अपने प्रोफाइल पिक्चर यानी कि डीपी को चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।